हाँ तो आइए आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। तो ये होता क्या है, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो सबसे पहली अगर मैं बात करूँ तो कोई भी अगर फंक्शन है और फंक्शन का पावर फंक्शन का पावर फंक्शन हो और वो इनफाइनाइट तक जा रहा, तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आइए हम लोग देखते हैं। सपोज़ कोई फंक्शन दिया हुआ बाई इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ, बरोबर है, और इसका भी पावर क्या है, एफ एक्स है, इसका भी पावर क्या है, एफ एक्स है, और इसका भी पावर क्या है, एफ एक्स है, और इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहा, इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा। तो ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही भयावह लग रहा, कह रही यार ये इनफाइनाइट सीरीज आ गया इसमें, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएं। और हम लोगों से पूछा गया है फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन निकालना अगर आपको लॉग लगाने आता है तो आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले लॉग लगाएंगे कैसे, लॉग लगाने के पहले भी एक काम इसमें करना रहता है कि देखिए ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, अगर इसमें एक टर्म भी हटा दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये फंक्शन हमारा है और जहाँ से फंक्शन रिपीट होता है, जहाँ से फंक्शन रिपीट होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, पहला हमारा एफ एक्स है, इसके बाद जो टर्म देखिए यहाँ भी एफ एक्स, मतलब यहाँ से हमारा क्या हो रहा, रिपीट हो रहा ये वाला टर्म। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाला टर्म की अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे बाई। तो जब यहाँ से हमारा फंक्शन रिपीट हो रहा, ध्यान से देखिएगा ये फंक्शन रिपीट हो रहा, तो ये पूरा टर्म को हम लोग कंसिडर कर लेंगे बाई, बरोबर है। अब जब बाई कंसिडर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स का पावर बाई ये आ जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते थे कि अगर फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया तो हम लोग क्या करते थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करते थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो क्या होता था, ये लॉग वाई हो जाता था और ये क्या होता था, लॉग एफ एक्स का पावर बाई। यहां से क्या आ गया, लॉग बाई इक्वल टू बाई लॉग एफ एक्स, बरोबर है। अब ये यू इंटू वी पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं ना कि एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालना आसान हो जाएगा। तो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज को किस तरीके से अप्रोच करना है, किसको बाई मानना, कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है इसको भी बाई मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ से फंक्शन रिपीट हो रहा, जहाँ से जो हमारा फंक्शन दिया हुआ वो रिपीट हो रहा, वहाँ से हम लोग को बाई कंसिडर करना है। सपोज एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू, अभी सिंपल लेते हैं, एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स अप टू इनफाइनाइट। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, बाई कंसिडर करना है। तो बाई कहाँ से कंसिडर करेंगे, देखिए हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, सॉरी एक्स है। अब एक्स कहाँ से रिपीट हो रहा, तो यहाँ से देखिएगा एक्स रिपीट हो रहा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर लेंगे, लेट बाई एज्यूम कर लेंगे, ऐसा बाई ही लिख लीजिए इसको, इसको क्या एज्यूम कर लिए, बाई एज्यूम कर लिए। जब उसको बाई एज्यूम कर लिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ बाई ले लेते हैं, अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। बाई इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स और इन अप टू इनफाइनाइट। अब मेरे को यहाँ पे किसको एज्यूम करना है, बाई। तो देखिए हमारा एक्स है और एक्स का पावर फिर से एक्स आ गया, मतलब यहाँ से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया।
और जहाँ से मेरा रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए अप टू इनफाइनाइट तक, उसको क्या कंसिडर कर लेना है, बाई कंसिडर कर लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाई एज्यूम कर लिए। तो देखिए क्या आ गया, बाई इक्वल टू एक्स का पावर बाई। अब फंक्शन का पावर जब फंक्शन आ जाए तो इस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हैं, किस तरीके से निकालेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो टेकिंग लॉग अगर बोथ साइड करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा, लॉग बाई इक्वल टू लॉग एक्स का पावर बाई, ये आ जाएगा हमारा लॉग बाई इक्वल टू, देखिएगा एक्स का पावर एम वाला प्रॉपर्टीज, लॉग एक्स का पावर एम वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम लॉग एक्स हो जाता है, यानी जो पावर रहता है लॉग के आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, लॉग एक्स हो जाएगा, बराबर है। अब आसानी से इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे क्योंकि अब ये क्या बन गया, u इंटू वी के जैसा बन गया। तो देखिए लॉग बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स होता है। बाई को बाहर रखते हैं, u इंटू वी लगाते हैं यहाँ पे, बाई को बाहर रखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है, वन अपॉन एक्स, बराबर, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, प्लस लॉग एक्स को बाहर रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डी बाई बाई डी एक्स। अब देखिए जो जो जहाँ जहाँ डी बाई बाई डी एक्स है उसको हम लोग एक साइड कर लेते हैं, तो वन अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाई अपॉन एक्स आ गया। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, वन अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एलसीएम भी यहाँ पे ले सकते हैं तो एलसीएम ले लेंगे, अभी लिख लेते हैं इसको, y अपॉन एक्स ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई माइनस ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ से एलसीएम लेकर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, y अपॉन में x आ गया, डिवाइड में क्या आ गया, y यहाँ पे चला जाएगा तो वन माइनस लॉग एक्स और इनटू में क्या आ गया, बाई, क्योंकि ये नीचे वाला बाई कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, अगला स्टेप में आप लोग लिख लीजिएगा, बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का अगर डिफरेंशिएशन आपको निकालना है तो बस एक काम कीजिएगा, बाई को एज्यूम करने आना चाहिए। अगर बाई को एज्यूम करने आ गए आप तो फिर इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ से तो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ के बाद रूल आपको मालूम है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, उसके बाद डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो तो आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर बाई इक्वल टू साइन एक्स का पावर साइन एक्स, साइन एक्स अप टू कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक, बाई कंसीडर करना है, बाई कहाँ से कंसीडर करेंगे, जहाँ से फंक्शन हमारा क्या हो रहा, रिपीट हो रहा, जहाँ से हमारा साइन एक्स रिपीट हो रहा, तो यहाँ साइन एक्स है, दोबारा साइन एक्स कहाँ से आया, यहाँ से, और फिर साइन एक्स ही चलते जा रहा, यानी ये वाला पार्ट को हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, बाई, बराबर है। अब बाई ये जूम कर लिए, मतलब बाई इक्वल टू क्या आ गया, साइन एक्स का पावर क्या आ गया, वाई आ गया, बरोबर है। अब यहाँ के बाद आप लोग रूल जानते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं आप लोगों को, तो यहाँ से यहाँ के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो फिर क्या आ जाता है, लॉग वाई इक्वल टू बाई लॉग साइन एक्स आ जाता है,
बरोबर है। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग बाई इन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या होता है, वन अपॉन बाई, ये कैसे होता है ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्या आ गया, यू इंटू वी वाला फार्मूला आ गया है। तो यू इंटू वी वाला लगाएंगे, बाई को बाहर रखेंगे, डी लॉग साइन एक्स अपॉन में डी साइन एक्स, बाई पार्ट्स यूज कर दिए यहाँ पे, इंटू डी साइन एक्स अपॉन में डी एक्स। देखिए यहाँ पे कैसे किए, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। बाई को बाहर रखें, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एक्स रहता है, लॉग एक्स इस तरीके से, लॉग अगर एक्स यहाँ पे रहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, वन अपॉन एक्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, मतलब एक्स तो अब है नहीं, लेकिन मेरे से पूछा क्या डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो इसको हम लोग क्या कर लिए ना कि अरेंज कर लिए फार्मूला के टर्म में, जो डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हैं ना उसके टर्म में अरेंज कर लिए। कैसे, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, वन अपॉन एक्स। अगर यहाँ साइन एक्स है तो नीचे भी अगर हम साइन एक्स से डिफरेंशिएशन, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन कर दे तो वन अपॉन साइन डिफरेंशिएशन हो जाएगा उसका, ठीक। अब यहाँ पे साइन एक्स लिख दिए, लेकिन मेरे को होना क्या चाहिए था, डी एक्स होना चाहिए था ना, क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो फिर इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लिखा है। और जब यहाँ पे लिखे तो फिर इसके बारे में सोचे कि ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, समझ गए आप लोग। और जहाँ पे नीचे डी एक्स आ गया तो वहीं पे आपको रुक जाना है। अगर यहाँ पे सपोज एक्स स्क्वायर रहता, साइन एक्स स्क्वायर, सपोज मान लेते हैं कि साइन एंगल में क्या रहता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता, क्योंकि साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में होता है, एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, समझ गए। ये ऑलरेडी हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। अब लॉग एक्स का, लॉग साइन एक्स को बाहर रखते हैं और हमारा क्या हो गया, लॉग एक्स को, लॉग साइन एक्स को बाहर रखते हैं और बाई का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, ठीक। अब देखिए जो भी डी वाई वाला टर्म है, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म, उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड भी एक मेरा डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। तो ये मेरे को आ गया माइनस लॉग साइन एक्स और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, बरोबर है। यहाँ पे देखते हैं क्या डिफरेंशिएशन होगा। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन आप ऐसा कीजिएगा, एक स्टेप के बाद ये काम कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो यही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होना है इसका, लेकिन इसका अभी होगा, क्या होगा, वन अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बरोबर है। ये आ गया, अब यहाँ से क्या कर लें, डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन बाई माइनस लॉग साइन एक्स, ये टर्म आ गया मेरा, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब यहाँ से अपन क्या कर लें, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, और यहाँ अगर एलसीएम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। होल में ऐसा करते हैं ना कि ये बाई जो है ना यहाँ पे इनटू में कर देते हैं और ये होल में लिख लेते हैं, मतलब यहाँ एलसीएम ले लिए, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा इसको। अब क्या कर दिए ना कि कॉट एक्स डिवाइड बाई ये वाला टर्म क्या चल जाएगा, पूरा का पूरा नीचे, मतलब इस तरीके से वन माइनस बाई लॉग साइन एक्स, और ये बाई जो नीचे रहेगा ऐसे समझिएगा, बाई जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो बाई कहाँ पे आ जाएगा, बाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यही हमारा क्या आ गया, फाइनल डी वाई डी एक्स आ गया, समझ गए। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए इनफाइनाइट सीरीज़ का, बस उसमें मेरे को सबसे पहला काम क्या करना कि कहाँ से हम लोग बाई को एज्यूम करेंगे, और जहाँ से फंक्शन रिपीट करे वहाँ से इनफाइनाइट तक बाई मान लेना है, और उसके बाद तो क्वेश्चन आपके अंडर में, फिर तो आप उसको सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। सपोज़ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, बाई इक्वल टू
लॉग एक्स अप टू इनफाइनाइट। अगेन मेरे को इस क्वेश्चन में भी क्या करना, यहाँ के बाद क्या है, जूम कर लेना, बाई ये जूम कर लेना, क्योंकि लॉग एक्स यहाँ से रिपीट कर रहा है, बरोबर है। अब अपन को यहाँ क्या करना, बाई इक्वल टू क्या हो गया, लॉग एक्स का पावर क्या, बाई। अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड क्या आ गया मेरे को, लॉग बाई इक्वल टू लॉग लॉग एक्स का पावर बाई आ गया, बरोबर है। अब ऐसा समझिए कि ये जो लॉग एक्स है ना, सॉरी लॉग एक्स है, हाँ लॉग के साथ जो लॉग एक्स है, आप ऐसे समझिएगा कि ये इस तरीके से है, लॉग एक्स यहाँ पे कोई फंक्शन होता है उस तरीके से है, बरोबर है। अब हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का पावर एम प्रॉपर्टीज लग जाएगा, लॉग बाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, बाई लॉग लॉग बाई लॉग एक्स, बरोबर है। देखिए यहाँ पे लॉग दो आ गया, तो थोड़ा सा होशियारी से करना है, कन्फ्यूज मत होइएगा, जो प्रोसेस है आपका उसी तरीके से चलिएगा, जो प्रॉपर्टीज़ है लॉग का वही लगाना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है कि लॉग है तो यहाँ लॉग है तो लॉग स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा काम नहीं करना। अब अपन को क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर देना है, सिंपली क्या आ जाएगा, लॉग बाई का डिफरेंशिएशन वन अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स आ गया, इधर से यू इंटू वी लगेगा, बाई को बाहर रखेंगे, डी लॉग लॉग एक्स। देखिए यहाँ पे जोर आता था उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन अपन कर दिए तो उसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन में चला जाता है, तो डी यहाँ पे क्या है लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में ही कर लेते हैं, और इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं लॉग एक्स। आप एज्यूम करके भी बना सकते हैं, टी एज्यूम करके भी यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये अब देखिए लॉग एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस लॉग लॉग एक्स बाहर रहेगा और बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स। अब मेरे को क्या करना है, पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, उसके बाद एक साइड करेंगे, तो क्या आ गया देखिएगा, बाई इंटू लॉग लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन में लॉग एक्स हो जाएगा, बरोबर है, इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन अपॉन में एक्स हो जाएगा, और प्लस ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि बाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई अपॉन डी एक्स, वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं ना कि ये डी बाई बाई वाला टर्म को एक साइड ले आते हैं, तो वन अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस लॉग लॉग एक्स इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स, ऐसा करते हैं ऐसे लिख लेते हैं लॉग एक्स, बरोबर है। अब हम लोग इधर देख लेते हैं क्या करें, लेफ्ट साइड से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन अगर आएगा तो वन अपॉन में बाई आएगा माइनस लॉग लॉग एक्स आएगा, बरोबर है, इक्वल टू क्या है, बाई लॉग एक्स अपॉन में एक्स है, ये पूरा वाला पार्ट, ये पार्ट कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मेरे को क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई लॉग एक्स अपॉन में क्या है एक्स डिवाइड बाई, थोड़ा लंबा दे देते हैं, वन अपॉन बाई माइनस लॉग लॉग एक्स। यहाँ पे क्या कर ले, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, बाई लॉग एक्स अपॉन में क्या आ गया एक्स, ये क्या आ जाएगा वन माइनस बाई लॉग लॉग एक्स। अब देखिए नीचे जो बाई बचा ना वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा,
नेक्स्ट स्टेप में उसको कर देंगे। प्रोसेस से आप बनाइएगा तो इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा देखिएगा, बाई ये बाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड, ये एक्स कहाँ चलाएगा नीचे आ जाएगा, यानी वन माइनस बाई लॉग लॉग एक्स, समझ गए। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, और जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप बनाइएगा, टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा कुछ अलग था, जो हम लोग प्रीवियस डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, बस अलग ये था कि ये इनफाइनाइट सीरीज आ रहा था, किसी का भी पावर कहाँ चला जा रहा था, इनफाइनाइट सीरीज के पास चला जा रहा था। तो हम उस इनफाइनाइट सीरीज को कंसिडर करने का एक तरीका देखें, क्या देखें कि जहाँ से अगर फंक्शन रिपीट कर रहा है वहाँ को क्या मान लेना, बाई मान लेना, और जब बाई माने तो ऑलरेडी हमारा जो ऑलरेडी पढ़े हुए थे उसी के जैसा आ गया फंक्शन, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड किए, फाइनली उसी तरीके से डिफरेंशिएशन किए आ जा रहा है। तो ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, बस बाई को कंसिडर करना आना चाहिए, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो बनाइएगा इसको।